पुलाव बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएं जो बहुत ही टेस्टी बनेगा और झटपट बनकर तैयार भी होगा। तो चलिए बनाते हैं फ्राई चिकन पुलाव। यहाँ पर ये 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है और जो बड़े पीस थे उस पर कट लगा लिया है। तो अब हम पहले इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 100 ग्राम ऐड करेंगे दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, उसमें कोई भी लम्ब्स नहीं है। अब ये सारे मसाले में चिकन को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे मसाले चिकन में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे मैरिनेट करने रख देंगे 1/2 से 1 घंटे तक। तो ये 1/2 घंटे तक मैंने चिकन को किया है मैरिनेट। 1/2 घंटे बाद हम एक पैन गरम करने रख देंगे, उसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया था, बस 1/2 घंटे मैरिनेट किया था, लेकिन आप जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा चिकन में टेस्ट आएगा। अब हम इसे हाई फ्लेम पर इस तरह से पहले मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें हाई फ्लेम पर ही पहले चिकन को इस तरह से मिक्स कर लेना है, फिर मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को पकने देंगे। जो दही से और चिकन से पानी रिलीज होगा इस तरह से, उसमें ही हमारा चिकन जो है वो गल जाएगा। जब तक चिकन गलेगा तब तक हम पुलाव की तैयारी कर लेंगे, जिससे हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही झटपट बनेगा। तो ये हम रख देंगे साइड में और इसे पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए। तब तक हम पुलाव की तैयारी करेंगे। तो एक दूसरे पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून देसी घी। घी डालने के बाद 2 दालचीनी के टुकड़े, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फुल, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज को हमें अच्छे से यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेना है, या आप गोल्डन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची महक होती है वो भी चली जाए। भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ, 5 हरी मिर्च कटी हुई, बीच से मैंने स्लिट कर ली है हरी मिर्च, मिक्स कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, साथ में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। ये मैंने एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है, जिससे पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और पुलाव आपका बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये बिरयानी मसाला डालकर मैंने मिक्स कर लिया है और फिर से 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बासमती राइस। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 ग्लास बासमती राइस, तो वो हम इसमें डाल देंगे। चावल को मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। बासमती राइस का हमने इस्तेमाल किया है तो 15 मिनट पहले मैंने इसे भिगो कर रखा हुआ था। अगर आप इसी यही पुलाव आप कोलम राइस में भी बना सकते हैं। तो राइस ऐड करने के बाद हम इसे फिर से हाई फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे चावलों को, और 1 मिनट के लिए भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने जैसे बासमती राइस लिया है 2 ग्लास, तो मैंने 2.5 ग्लास इसमें ऐड कर दिया है पानी, यानी 2.5 ग्लास, साथ में थोड़ा पुदीना और थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, और ये केवड़ा वाटर मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये 5 से 6 बूंदें मैंने केवड़ा वाटर की ऐड कर दी है, जिससे हमारे पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी और एकदम भटियारे जैसा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। तो ये हमें मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पर ही हमें पकने देना है, जब तक कि ऊपर का पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं होता। तो ये देखिए, अभी मैं पकने दूंगी हाई फ्लेम पर, जब तक पूरा ऊपर का पानी जो है वो ड्राई नहीं होता, और तब तक हमारा चिकन भी जो है वो पक जाएगा। तो ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे से यहाँ पर पक रहा है। तो जितनी देर में हमारा चावल पकेगा उतने ही देर हम इसे मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा, बीच बीच में आप चेक करते रहे, और लो फ्लेम पर अब हम इसे रख देंगे। देखिए, चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। तो जब तक चावल पकेगा हम इसे लो फ्लेम पर ही रहने देंगे। और ये देखिए, जो ऊपर का पूरा पानी था वो ड्राई हो चुका है। तो एक बार हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि चावल जो है वो टूटे ना। और अब हम इस पे रख देंगे जो हमने चिकन को फ्राई कर लिया था वो। अब जो हमने दही का भी इस्तेमाल किया था, और एक देखिए, एकदम मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को नहीं पकाया है, ताकि उसका मसाला ड्राई ना हो। इस तरह से हम डाल देंगे तो जो चावल में जो है इसका फ्लेवर भी चला जाएगा पकते पकते। और अब हम इसे पूरा चिकन डालने के बाद ढक कर दम होने रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर।
आते ही मैं ढक रही हूँ। और ये हमारा 10 से 12 मिनट बाद देखिए पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही झटपट ये पुलाव बन जाता है, लेकिन जैसे आप बिरयानी का टेस्ट आता है पुलाव में, वैसे ही ये पुलाव में टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइए ये पुलाव। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका पुलाव जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आप भी फ्राई चिकन पुलाव की रेसिपी बनाएं। जब आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हो या पार्टी या फंक्शन हो, तो आप इस तरीके से झटपट ये पुलाव तैयार कर सकते हैं। एक तरफ चावल चढ़ाकर, दूसरी तरफ चिकन को फ्राई करके, और फिर बस दम दे देना है और आपका मज़ेदार भटियारे जैसा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिएगा रायते के साथ, सलाद के साथ। तो ये देखिए मैं पुलाव को सर्व कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं राइस एकदम खिले हुए, अंदर जो हमने फ्लेवर दिया था केवड़ा का वो बहुत अच्छा रहा है, चिकन के जो मसाले हैं उसका फ्लेवर मिल चुका है। तो आप एक बार इसे मिक्स कर ले और गर्मा गर्म फिर सर्व कर ले। तो अफगानी पुलाव की रेसिपी, इसमें मसाले का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है ये पुलाव में। तो आप भी ये पुलाव को ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे 7 इलायची हरी, 2 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरी तरफ एक पैन या कढ़ाई गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छा गरम होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ता। साथ में हम एक बड़ी प्याज कटी हुई इसमें डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज पर भी गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जो मटन की कच्ची स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी और मटन हमारा यहाँ पर भून भी जाएगा। तो हाई फ्लेम पर हमें इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त का कलर जो है देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा, हल्का हल्का मटन से पानी भी रिलीज़ होगा। तो 5 मिनट तक मैंने मटन को यहाँ पर भुना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची महक होती है वो भी ना आए। तो अदरक लहसुन के साथ भी मैंने भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था उसका जो पाउडर हमने बनाया था, वो आधा मैं पाउडर इसमें डाल रही हूँ और आधा पाउडर हम चावलों पर दम देते वक्त डालेंगे। तो ये देखिए आधा जो हमने मसाला बना लिया था वो मैंने डाल दिया है। अब फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से तेल रिलीज़ नहीं होता। ये देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है, सारे मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो 2 ग्लास हम इसमें डाल देंगे पानी। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे पकने देंगे लगभग 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, ताकि जो नमक हम इसमें ऐड कर देंगे तो गोश्त में भी थोड़ा नमक का टेस्ट आएगा, तो वो अच्छा लगेगा। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसे ढककर रख देंगे 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो हम दूसरी तरफ एक पैन गरम करने रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे देसी घी। घी गरम हो जाएगा हल्का सा, तब हम इस पर फ्राई कर लेंगे किशमिश। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 2 टेबलस्पून भरकर किशमिश। किशमिश को हमने फूलने तक फ्राई कर लेना है। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करें तब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखें, ताकि वो जले ना। और ये देखिए किशमिश अच्छी तरह से फूल गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम डाल देंगे बादाम। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 15 से 20 बादाम
जिसके छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं, दो टुकड़े यानी, और उसको हमने भिगो कर रखा हुआ था और उसका छिलका निकाल लिया था। तो आधे घंटे पहले आप भिगो कर रख दे बादाम को और उसका छिलका निकाल ले, या आपको अगर जल्दी है तो आप उसे बॉईल कर ले तो छिलका जल्दी निकल जाएगा। और ये छिलका निकाल कर दो टुकड़े मैंने कर लिए थे, इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट तक घी में फ्राई कर लिया है। हल्का जब गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसे भी निकाल देंगे। और इसी घी में अब हम ऐड करेंगे गाजर। तो ये देखिए मैंने 2 गाजर ली थी, मीडियम साइज़ की गाजर मैंने ली थी, जिसके इस तरह से लंबे और पतले पीसेस में टुकड़े कर लिए हैं। इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो गाजर को भी देखिए हमने फ्राई कर लिया है। गाजर अच्छे से 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है, ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ देखिए हमारा गोश्त तो है वो अच्छी तरह से गल गया है। टोटल मैंने इसे 40 मिनट तक पकाया है। तो देखिए अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। तो अब ये गोश्त जो है उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो पानी है हल्का सा बचा हुआ उसे हमें पैन में ही रहने देना है, सिर्फ गोश्त जो है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसे दूसरी प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से पानी। तो थोड़ा पानी इसमें था और थोड़ा मैंने जो चावल लिए हैं मैंने लिया है 3 ग्लास बासमती राइस। और ये देखिए इसे मैंने आधे घंटे पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये राइस। तो जो राइस का पानी है उसे मैंने राइस धोते वक्त नाप लिया था 1 इंच ऊपर तक। और जो थोड़ा पानी पैन में भी था मसाले का, तो यहाँ पर थोड़ा पानी मैंने कम कर दिया। अब जो ये चावलों के ऊपर पानी है वो टोटल 1 इंच तक है। अब चावलों के हिसाब से हमने इसमें नमक को भी ऐड कर देना है। हमने गोश्त में भी नमक इस्तेमाल किया था जो पानी बचा हुआ था, तो आप चक कर यहाँ पर नमक ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे नमक को भी। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक कि ऊपर का पानी जो है वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता। इस तरह चावल पकाने से इस चावल में भी देखिए जो मसाले का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए ऊपर का पूरा पानी मैंने हाई फ्लेम पर ड्राई कर लिया है। अब हम इसे एक मिक्स दे देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हल्के हाथों से हम चावलों को मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम लो करने के बाद जो हमने गोश्त अलग निकाल लिया था वो गोश्त इसमें हम डाल देंगे। मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। तो ये देखिए हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पाउडर देखिए आधा इस्तेमाल किया था और आधा बचा लिया था, तो वो जो आधा बचा हुआ पाउडर है वो हम पूरा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में जो हमने किशमिश फ्राई कर ली थी वो रख देंगे। जो हमने गाजर को फ्राई कर लिया था वो गाजर रख देंगे। तो ये गाजर को भी हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है चावलों पर। और साथ में जो हमने बादाम फ्राई किए थे वो भी रख देंगे। थोड़े से बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल लिए हैं। और अब हम इसे फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर लेंगे और ढककर हम इसे पकने देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से दम हो जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते हुए। और ये हमारा मटन अफगानी पुलाव बनकर तैयार है। जो मसाला है, ड्राई फ्रूट्स है, उसका बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर इसी तरीके से बनाएं, ये बहुत ही बढ़िया पुलाव बनकर तैयार होता है। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। बस आपको चावलों का पानी का ध्यान में रखना है कि बस 1 इंच ऊपर तक रहे और हाई फ्लेम पर हम पूरा पानी जो है उसे ड्राई कर लें। बासमती राइस बनाने के लिए हाई फ्लेम पर पूरा चावल को पानी ड्राई करने से वो एकदम परफेक्ट बनता है। तो ये देखिए हमने इसे गर्मा गर्म कर लिया है सर्व, और इसमें से मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम गार्निश कर लेंगे गाजर के साथ, बादाम के साथ और किशमिश के साथ।
और ये गर्मा गर्म पुलाव आप सर्व करें रायते के साथ, और आपको ये पुलाव की रेस्ट हुए मसालों के साथ। इस तरह से आपका जो चिकन पुलाव है बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अगर आप एक ही बार में एकदम परफेक्ट चिकन पुलाव भटियारे जैसा बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से स्टेप फॉलो करके बनाएं, आपका पुलाव बहुत ही अच्छा बनेगा और टेस्ट भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं चिकन पुलाव की रेसिपी। तो ये 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा, 6 से 7 हम लेंगे लौंग, 1/4 ले ली है मैंने जावित्री, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टारफुल, 1 बड़ी इलायची, 4 इसमें हरी इलायची मैंने ले ली है, और ये देखिए मैंने 4 छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए हैं जायफल के, इसे भी हम पीसेंगे, और ये मैंने 15 से 20 ले ली है काली मिर्च। तो इसे हमें कूट लेना है, तो हम इस तरह से देखिए इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमें इसमें कूट लेना है ताकि हमारा जो बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होगा और इससे हमारे चिकन पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसका दरदरा इस तरह से हमें पीसना है, क्योंकि हम इस तरह से ही पीस के इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसी में मैंने मसाला जो पीसा, साथ में मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गांठ ले ली थी लहसुन की वो डाल दी है, और इसे भी हम कूट लेंगे। और ये देखिए हमने अदरक लहसुन को भी इस तरह से कूट लिया है, दरदरा ही मैंने कूटा है। तो अब हम एक पैन गरम करने रख देंगे और पैन में हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब बहुत ही अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा, शाही ज़ीरा मैंने इस्तेमाल किया है अभी, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 स्टारफुल, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ता मैंने डाल दिया। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दी है 1 बड़ी प्याज, तो प्याज को मैंने चॉप कर लिया पतले पतले पीसेस में, और इसे अब हम भूनेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर कलर नहीं आता है। तो प्याज के साथ ही साथ मैंने कढ़ी पत्ता भी डाल दिया है, क्योंकि पुलाव में कढ़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कढ़ी पत्ता डाल के हम यहाँ पर मिक्स करते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर इस तरह से लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो ये देखिए प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तब हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो ये 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया, और अब हमें चिकन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भून लेना है जब तक कि चिकन में से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा, वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर चिकन को भूनूंगी 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए इस तरह से कलर जो है वो चेंज हो जाएगा चिकन का। तो ये 5 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को बहुत ही अच्छे से भूना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अदरक और लहसुन को कूट लिया था वो, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च कुटी हुई, और मिक्स करते हुए हम फिर से यहाँ पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची महक होती है वो भी चली जाए, और मिर्ची डालकर भी हम चिकन के साथ भून लेंगे। इसमें से देखिए बहुत ही अच्छी अभी खुशबू आएगी मिर्ची और जब अदरक लहसुन मिक्स होगा चिकन में। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट तक मैंने बहुत ही अच्छे से हाई फ्लेम पर भुना है सारे मसालों को। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पाउडर बना लिया था, ये देखिए इस तरह से वो पाउडर हम इसमें डाल देंगे। सारा पाउडर हमें यहाँ पर डाल देना है जो हमने गरम मसाले को कूटा था वो, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि चिकन में भी अंदर तक नमक जाए और चिकन पुलाव में हमारे चिकन में भी बहुत अच्छा टेस्ट आए। अब नमक और ये मसाला डालकर फिर से हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे, और ये मसाला डालने के बाद भी बहुत अच्छी है, इसमें से खुशबू आने लगती है, जैसे भटियारों का पुलाव होता है बिल्कुल वैसा ही इसमें टेस्ट आता है ये मसाले से। तो ये 1 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, तो 100 ग्राम हम इसमें डाल देंगे दही। दही को यहाँ पर मैंने बीट करके ऐड किया है ताकि उसमें लम्ब्स ना रहे, और मिक्स करते हुए दही का हम पूरा पानी ड्राई होने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम चिकन में दही को पहले बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दही का हमें पूरा पानी भी ड्राई करना है। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है और तेल रिलीज़ होने तक हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर दही को मिलाने के बाद मैं लो फ्लेम पर रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। इस तरह से दही का पूरा पानी भी ड्राई हो जाएगा और थोड़ा चिकन भी टेंडर हो जाएगा। तो 5 मिनट तक मैंने रहने दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर, फिर 1 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बासमती राइस। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो 500 ग्राम बासमती राइस ले लिए है, वो हम इसमें डाल देंगे, जिसे मैंने 15 मिनट पहले से भिगो कर रखा हुआ था। साथ में 4 ये मोटी वाली हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है 20 से कट कर, और फिर हम इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। ये मोटी वाली हरी मिर्च का भी पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इस तरह से हरी मिर्च को ज़रूर ऐड करें, और मिक्स करते हुए हमें यहाँ पर भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो चावलों के हिसाब से हमें पानी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे ये चावल थे,
ढाई कप, तो मैंने यहाँ पर 3 कप ऐड कर दिया है पानी, और साथ में नमक हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। तो हमें चक्कर नमक ऐड कर देना है चावल के हिसाब से। चिकन में भी हमने थोड़ा नमक ऐड किया था, तो हम यहाँ पर चक्कर नमक ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कर ली है मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे ढक्कन ढककर, जब तक कि ऊपर का पानी जो है वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकने देंगे। और ये देखिए ऊपर का पूरा पानी जो है वो चावल का ड्राई हो गया है, जैसे आप देख रहे हैं हल्का हल्का पानी जो है वो नीचे बचा हुआ है, इससे हमारे चावल बहुत ही अच्छे से दम हो जाएंगे और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। तो अब हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है, और लो फ्लेम पर हम हल्के हाथों से एक मिक्स दे देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस, तो यहाँ पर हम 4 से 5 बूंदे ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस की। अगर आप केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा, लगभग 1 टीस्पून तक डाल दें, क्योंकि एसेंस थोड़ा हार्ड होता है, उसकी खुशबू ज़्यादा होती है। तो ये 4 से 5 बूंदे एसेंस डालने के बाद 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है देसी घी, इससे हमारा पुलाव एकदम खिला खिला और टेस्टी बनेगा। और फिर हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हमारा चिकन पुलाव बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें इस्तेमाल किया है सारे कूटे हुए मसालों का, साथ ही साथ केवड़ा एसेंस का भी हमने इस्तेमाल किया है। इससे एकदम भटियारे जैसा हमारा पुलाव यह बनकर तैयार होगा। आपका भी पुलाव ऐसे ही परफेक्ट बनेगा, खाने में भी टेस्टी होगा, इसी तरीके से आपके भी चावल एकदम खिले खिले रहेंगे और बहुत ही बढ़िया ये पुलाव बनकर तैयार होगा। आसानी से बनने वाला पुलाव जो बनेगा बहुत ही टेस्टी। तो एक बार इस तरीके से आप ये पुलाव की रेसिपी ज़रूर बनाएं, और ख़ास करके ये पुलाव आप सर्व करें कचुंबर के साथ या फिर सलाद के साथ। तो ये चलिए पुलाव को अब हम गर्मा गर्म कर लेते हैं सर्व। ये देखिए एकदम खिले खिले चावल, साथ ही में जो मसाले हमें दिख रहे हैं उससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का हल्का स्पाइसी भी होता है ये पुलाव, जिससे और मज़ा आता है, क्योंकि पुलाव थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार इसी तरीके से ये पुलाव की रेसिपी ज़रूर बनाएं, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा भी। और अगर अच्छी लगी रेसिपी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार चिकन पुलाव जो हमने बनाया है कूटे हुए सारे मसालों के साथ। ये देखिए चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है, एकदम सॉफ्ट। और साथ में हमने यहाँ पर रख दिया है कटा हुआ टमाटर और प्याज, उसके साथ मैंने बिरयानी जैसा इसमें टेस्ट आता है, और बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये बन जाता है। और ये आप देख सकते हैं गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल गया है, और खिले खिले चावल बिरयानी जैसे। तो चलिए बनाते हैं ये मसाला मटन पुलाव की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए पहले हम एक पैन गरम करने रख देंगे, और उसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून तेल। और तेल अच्छा गरम होने के बाद साबुत गरम मसाले डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, साथ में 2 से 3 काली मिर्च और 2 से 3 लौंग। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे यहाँ पर जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन नहीं होता है। तो ये देखिए इस तरह से जब प्याज का कलर गोल्डन हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम मटन, मतलब आधा किलो। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से अब मटन को भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। देखिए मटन को मैं तेल प्याज में अच्छे से भून रही हूँ। देखिए इस तरह से कलर जो है वो चेंज हो जाएगा मटन का। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और फिर से अब हम इसे भूनेंगे। फिर से 2 मिनट के लिए हमें भूनना है, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची महक होती है वो भी चली जाए। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, और नमक हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, और अब हम इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करेंगे और भूनेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए एकदम मसाला हमारा तैयार हो रहा है। तो 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे दही। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही,
दही को मैंने ऐड करने से पहले अच्छी तरीके से बीट कर लिया था, उसके बाद हम दही को ऐड करेंगे और मिक्स करते हुए अब हम इसे फिर से भून लेंगे जब तक कि दही का पानी पूरा ड्राई नहीं होता और इस तरह से देखिए तेल रिलीज़ नहीं होता। जब इस तरह से तेल रिलीज़ हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर हमें गोश्त को गलाना है तो ये एक गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है क्योंकि मटन से भी पानी रिलीज़ होगा, तो यहाँ पर हमने एक गिलास पानी ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे से गल जाए। अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। लगभग 25 से 30 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और मटन बहुत ही अच्छे से गल गया है, तेल भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि पूरी तरीके से तेल रिलीज़ नहीं होता। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस। तो ये देखिए मैंने बासमती राइस ले लिए है, ये भी मैंने आधा किलो ही लिए है, मतलब जितना हमने गोश्त लिया था उतना ही हम राइस लेंगे। ये बासमती राइस है, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है वॉश करके और बासमती राइस को मैंने पहले से ही भिगो के रखा था 15 मिनट के लिए। मिक्स कर लेंगे चावलों को भी और अब हम इसे भी भूनेंगे 1 मिनट के लिए। जब इस तरह से पूरे मसाले में चावल को हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम चावल के हिसाब से यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। तो ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टमाटर कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। पानी की क्वांटिटी मैंने ऐसे डाली है कि ये 2 गिलास मेरे राइस थे तो मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड किया है, मतलब 1 गिलास अगर बासमती राइस है तो 1.25 गिलास आप उसमें पानी ऐड करें तो आपका परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक चख लिया, नमक थोड़ा सा कम था चावल के हिसाब से तो थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है क्योंकि गोश्त में हमने पहले से ही नमक ऐड किया था। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, अब हमें हाई फ्लेम पर पकने देना है जब तक कि इस तरह से देखिए ऊपर का पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। नीचे देखिए पानी है लेकिन ऊपर का पूरा पानी मैंने हाई फ्लेम पर ड्राई किया है क्योंकि बासमती राइस तभी आपके खिले खिले और परफेक्ट बनेंगे जब हाई फ्लेम पर आप पूरा पानी ऊपर का ड्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है मैंने, एक हरी मिर्च रख दी इस तरह से, ये मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर ले लिया था उसे मैंने भिगो कर रखा था 1 टेबलस्पून पानी में, 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया था वो डाल देंगे। साथ में ये तली हुई प्याज मैं डाल रही हूँ, तली हुई प्याज मैंने पहले से ही पकाकर अलग रख दी थी तो ये मैंने तली हुई प्याज जो है वो डाल दी, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम इसे ढककर रख देंगे इस तरह से क्योंकि हमें दम करना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है और इस तरीके से अब हम इसे पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। अगर आपका पैन का जो बॉटम है वो पतला है तो आप नीचे तवा ज़रूर रख ले वरना नीचे लग जाएगी बिरयानी। और ये देखिए 10 मिनट तक मैंने दम होने दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पर और ये हमारी मज़ेदार मसाला पुलाव बनकर तैयार है जो बिल्कुल बिरयानी जैसा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार झटपट। आपको चावल अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसे दम देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ इस तरीके से भी देखिए बना सकते हैं जो बिल्कुल बिरयानी जैसा बनकर तैयार होगा। ये देखिए जैसे मैंने बताया है वैसे ही अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी इसी तरीके से एकदम परफेक्ट और खिली खिली बनेगी और बहुत ही मज़ेदार ये मटन मसाला पुलाव बनकर तैयार होता है। तो ये हमने गर्मा गर्म सर्व कर लिया, आप इसे सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखिए तो आपको ये मटन मसाला पुलाव आप भी ज़रूर बनाएं और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।